हेलो दोस्तों, तो कॉमन एरर्स की आज हम सिर्फ तीन बहुत ही सिंपल सी चीजें सिर्फ 3 मिनट में देख लेंगे। पहली चीज है कि नाउन्स जो होते हैं वो ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कैन वी से शू और कैन वी से सॉक, कैन वी से ट्राउजर और कैन वी से शॉर्ट, सो वी कैनॉट से लाइक दिस। हम इसको सिंगुलर के तौर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इस्तेमाल करना है तो बहुत जरूरी है दैट वी मस्ट यूज दिस नाउन्स ओनली एज प्लूरल। प्लूरल के तौर पर जब हम देखेंगे तो हमें यहां पर देखने मिलता है वी मस्ट से शूज, वी मस्ट से सॉक्स, वी मस्ट से ट्राउजर्स, पायजमास एंड शॉर्ट्स एंड नॉट शू, नॉट पायजमा, नॉट सॉक एंड नॉट शॉर्ट एज सच। जैसे लेदर शूज आर वेरी कॉस्टली इन रशिया, लेदर शूज आर वेरी कॉस्टली इन रशिया, लेकिन उसी वक्त हमें भी देखना चाहिए कि बट नो अ पेयर ऑफ शूज इज नो, तो हमें ये डिटरमिनर्स है किसके, प्लूरल के डिटरमिनर्स है इज आर और यहां पर सेंटेंस में हैव है, दीज आर द डिटरमिनर्स ऑफ प्लूरल्स और सिंगुलर्स। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, लेदर शूज आर मीन्स वी आर यूजिंग दिस नाउन एज प्लूरल, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, बट अ पेयर ऑफ शूज इज वेरी कॉस्टली इन रशिया और पेयर ऑफ शूज इज सिंगुलर एज सच, व्हाटएवर। तो पेयर ऑफ शूज एंड दीज शूज आर वेरी कॉस्टली इन रशिया एज सच, ओके। दूसरी बात हम देखते हैं दैट इज वेरी सिंपल, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट एक ही होता है, सिंगल होता है, लेकिन जब उसको हम मेंशन करते हैं तो वी मस्ट मेंशन देम इन द प्लूरल फॉर्म। कैसे देखते हैं, सीजर्स, टॉम्स, बेलोज, स्पेक्टेकल्स एंड शीयर्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, इन नाम्स को हम वो चीज सिंगुलर होने के बाद भी उसे प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है एंड वी कैनॉट यूज देम एज सिंगुलर वन एज सच। जैसे दीज सीजर्स आर वेरी शार्प, नो दीज सीजर्स आर वेरी शार्प एंड वी कैनॉट से दिस सीजर इज वेरी शार्प, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। उसमें दो चीजें हमने देखी, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस एंड नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अब जो देखने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, जैसे आर्म्स, एनल्स, एसेस, एसेट्स, इंटेस्टाइन्स, थैंक्स, प्रोसीड, स्पिरिट, tidings, savings, belongings, contents, credentials and nuptials. So these are all the nouns, they can only be used in the plural form and not in singular as such. So the proceeds of this show are being donated to the National Defense Fund. The proceeds of these shows are, you know, this R is for plural. The proceeds of this show are being donated to the National Defense Fund as such. So, ये तीन बातें आपको याद रखनी चाहिए. One is article of dress, another is names of instruments, and the last one is some nouns like all these. That's it. तो इस तरीके से हम जो common errors कर सकते हैं noun को लेकर उसे टालने की कोशिश कर सकते हैं and we can get the maximum marks in the examination essays. Thank you very much.